हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर हम लोग का एंड हो चुका है। तो चैप्टर एंड हो गया, तो चैप्टर एंड होने के बाद एमसीक्यू देख लेंगे, ताकि हम लोग टर्मों में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी टेस्ट वगैरह बाद में लिया जाएगा, ये बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करना है तो टाइम है नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीडीएफ भेज दिए हैं, तो बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें बहुत टाइम लेंगे, कम से कम 10 लेक्चर से तो ज़्यादा ही लेंगे, कम लेंगे नहीं। तो टाइम बहुत कम है और चैप्टर ज़्यादा पढ़ने, इसीलिए बस केवल चैप्टर पढ़ेंगे, उसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल इसका अलग से दे देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल से पूछता है कभी कभी, कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल तो दे देंगे, उसको टेंशन मत दीजिए। लेकिन पहले भी एमसीक्यू थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद नहीं हो तो कल इसका जो भी न्यूमेरिकल टाइप का है तो उसको भी अलग से दे देंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, इसको आंसर दिख जाएगा तो दिक्कत है ना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जो भी होगा तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम आंसर। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बताइए। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11th पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, जैसे MGH जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, MGH है तो हाइट पर, यानी कि आप ऊपर जाए तो ऐसे ऐसे करके जाइए या डायरेक्ट जाइए, एक ही फोर्स लगेगा, बात बराबर है। तो वही होता है कि जो मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। जो पाथ पर निर्भर करता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। जैसे स्प्रिंग वाला जो फोर्स होता है तो उसमें क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। या MGH ग्रेविटेशनल फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वहाँ पर दो चार्ज है ना, तो दो चार्ज के आप यहाँ से ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे कैसे किसी प्रकार, तो फोर्स सेम ही लगेगा। तो यहाँ पर आर डिस्टेंस को देखा जाता है इस प्रकार से। तो ये भी क्या हो गया, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो ट्रू, पहला स्टेटमेंट सही आ गया। आगे देख लेते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी। ये तो गलत हो गया, एनी पॉइंट से इन्फिनिटी ले जाते हैं, नहीं, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पे लाते हैं, इन्फिनिटी से कहीं लाते हैं। कोई बोल रहा है कोई पॉइंट से इन्फिनिटी ले जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात हो, ऐसा तो गलत है, ये तो उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद देख लीजिए सी क्या कह रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, सी ऑप्शन को देख लीजिए। सी बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, अभी बता दें कंजर्वेटिव है। इसके बाद पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, जो पोटेंशियल भी है और चार्ज एंड वर्क का प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसा तो है नहीं, पोटेंशियल क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वर्क तो चार्ज और वर्क का प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि रेशियो है, ठीक है। तो गलत हो गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको टिक मार के कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखकर याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखने से क्या होता है, याद होता है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और, ठीक है अब, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन मिल गया, इसको थोड़ा जूम भी कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। चलिए ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, न्यूटन पर सेकंड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जैक बोर्ड पूछता है, तो हमेशा इसको माइंड में रखिएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, न्यूटन कूलम, जूल कूलम, या फिर जूल क्या है यहाँ पर, इसको जूल पर सेकंड। तो बताइए 1 वोल्ट बोल रहा है, वोल्ट, तो वोल्ट के बारे में हम लोग क्या पढ़े, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू का हो गया जूल, ठीक है, और चार्ज का कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, यहाँ पर न्यूटन तो होगा नहीं, न्यूटन सेकंड तो होगा नहीं, यानी कि जूल कूलम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। देख लेते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर। चलिए सी है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है ना कि इसको थोड़ा सा बिना, इतना छोटा में दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अ डिस्टेंस टू ए पॉइंट एट एक्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज क्यू इज, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, यहाँ से कोई चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया गया है, तो वर्क डन जो हो गया तो वी के बराबर वर्क डन, जितना वर्क डन हुआ तो है ना, वी होता है, तो पोटेंशियल यानी कि वर्क डन कितना हो, तो वही आपको पूछ रहा है कि बताइए, इज डब्ल्यू, वर्क डन भी दिया डब्ल्यू, ठीक है, वर्क डन डब्ल्यू, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/4πε0, उसको हम K से लिखते हैं, 1/4πε0 K से, उसके बाद Q1 Q2 बाय, तो W हो गया वहाँ पर, फिर उसके बाद क्या होगा, Q/R, Q/R, यहाँ बड़ा Q हो गया, बड़ा Q जो पॉजिटिव, Q/R, ये होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसको देखेंगे, फिर एक तो होता है कि एक होता है W/Q, तो यहाँ पर स्मॉल Q की बात हो नहीं है, बड़ा Q दिया है,
तो यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मूला अगर है तो बता दीजिए, वही हो जाएगा वी एन ओवर रिटर्न। तो डब्ल्यू क्यू बाई एक्स, तो यहाँ पर तो के है, तो के तो वहाँ कुछ दिया नहीं है सर, के तो वहाँ कुछ दिया नहीं है। डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू, तो ऐसा कुछ नहीं, वर्कडन तो हुआ, तो वर्कडन हुआ तो इसका आंसर सेम ही होगा, वर्कडन जो हुआ तो उतना ही वर्कडन यूनिट लाने में, तो उसको डब्ल्यू से दिखा देंगे। क्योंकि वर्कडन का जो फॉर्मूला होता है कि के यानी वन बाई फोर पर क्यू वन, ठीक है, उसके बाद क्यू टू बड़ा क्यू बटा में आर, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जो भी होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वर्कडन के बराबर ही हो जाएगा, जितना वर्कडन हुआ ना तो उतना ही इसका। सिमिलरली जो वर्कडन में कहिए पोटेंशियल क्या होता है, वर्कडन होता है पर यूनिट चार्ज को लाने में, तो यहाँ पर डब्ल्यू से दर्शा दिया जो वर्कडन हुआ उसी को बोल दिया, तो यहाँ पर कुछ वैसा फॉर्मूला मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर डब्ल्यू का डब्ल्यू ही हो जाएगा। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देख लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, कंसाइडर यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सोचिए, ठीक है, इन द जे डायरेक्शन। जे डायरेक्शन में आप मानी डायरेक्शन देखिएगा, तो ये यहाँ पे हो गया एक्स, इधर हो गया सॉरी एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर जेड, तीन डायरेक्शन है, ये आपका जे डायरेक्शन है, ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्सिस ऐसा तीनों हम लोग देख लिए। ठीक, आगे देखिए जे डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज एट कॉन्स्टेंट, द पोटेंशियल इज ए कॉन्स्टेंट, तो पोटेंशियल किधर होगा, किस डायरेक्शन में, फॉर एनी एक्स फॉर द जेड, जेड के लिए किसी भी एक डायरेक्शन में, या फॉर एनी वाई फॉर द जेड, जेड गिवन है तो वाई डायरेक्शन में होगा पोटेंशियल, या फिर ऑन द एक्स वाई प्लेन में, यानी कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज, सारे सही होगा। देखिए तो पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन तो इसमें फिक्स है नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो किधर भी हो सकता है, अब कौन जाना किस साइड में होगा, तो इसका कोई मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं जो बना के सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं, बस सोच के बता देना है, तो पोटेंशियल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका डी, सारे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए क्या बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के बारे में पढ़े होंगे, जहाँ पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है या फिर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, हर जगह क्या बोलते हैं सेम होता है वैसा सर्फेस, तो उस सर्फेस के बारे में थोड़ा सा बताना आपको कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आर क्या होते हैं, आर क्लोज इन द रीजन ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होता है कि क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर क्लोज टाइप पर रहता है सरफेस, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहाँ पर क्या बोलते हैं मतलब बिखरा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एज कम्पेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब कि जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर क्या रहेंगे क्लोजर में रहेंगे, जहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर कम क्लोज रहेगा, ऐसा पूछ रहा है। या तो हम लोग बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों को दिखाता है, मतलब कि हाई रीजन को भी दिखाता है लो रीजन को भी दिखाता है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एज ऑफ द कंडक्टर, एक कंडक्टर है तो कंडक्टर की जो शार्प एज किनारा कोई भी एज है तो यहाँ पे ज़्यादा भी ज़्यादा क्राउडेड यानी कि ज़्यादा की पोटेंशियल सर्फेस रहेंगे उस टाइप के। या फिर विल एलवेज इक्वली स्पेस, यस हर जगह मतलब सारा इक्वली स्पेस रहेगा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इस टाइप का, विल एलवेज इक्वली स्पेस, इसके बाद बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट देख लेते हैं, बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसका थोड़ा सा आंसर देखना पड़ेगा तब मेरा माइंड में कुछ आएगा, मेरा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे क्लोजर, एज कम्पेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं वहाँ पे क्लोजर रहेंगे सर्फेस इक्विपोटेंशियल सर्फेस, और जहाँ पे क्या बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर क्लोजर नहीं रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्लोज में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिक ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्लोजर सरफेस यानी कि क्लोज, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सही है, बी भी सही, विल बी मूव क्राउडेड नियर द शार्प एज, तो शार्प एज के किनारे से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, जो आंसर बोल रहा है उसको थोड़ा सा माइंड में बैठा के रखना होगा। विल एलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, में हर जगह बराबर रहता है ऐसा नहीं है, हर जगह बराबर रहता तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर नज़दीक में रहेगा, तो हर जगह बराबर कैसे रह सकता है, जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर नज़दीक में, जहाँ कम है तो चेंज होकर बराबर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर एन चलिए ठीक है, जो भी यहाँ पर है ऑप्शन सही है। इसके बाद कहाँ चलेंगे, सिक्स इन द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, वैसा रीजन में जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू फिक्स है, तो बताइए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एक समान होंगे, उसके बाद तो यूनिफॉर्म आई थिंक सही होगा, देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे, या फिर देयर कैन बी नो चार्ज इन साइड द रीजन, यानी उस रीजन के अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, इन द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू मतलब कॉन्स्टेंट है फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म,
ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट लग रहा है हमको, अच्छे देख लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी, ये भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है। और देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, हमको ए और सी में, इसमें भी हमको थोड़ा सा आंसर ही देखना पड़ेगा। डी यहाँ पर भी कन्फ्यूजन था इसलिए देख लीजिए आंसर, देख लीजिए क्या हो, डी है। डी करने का मतलब बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि एक गलत है, एक गलत है, यानी कि इसको याद रखना होगा। इन द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, जहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म नहीं होता होगा तो गलत है। उसके बाद बी एंड सी सही है ना, बी और सी सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही तो फिक्स था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंट पोटेंशियल वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फोर्स आगे पीछे होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स कम पीछे, तो वहाँ पे पोटेंशियल निर्धारित इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ना जहाँ पर वो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे क्लोजर क्लोजर रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। और उसके बाद डी यानी कि सी भी करेक्ट है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, मतलब रीजन के अंदर में कोई चार्ज भी नहीं होगा, यानी कि बस हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई चार्ज नहीं बनेगा। चार्ज कैसे, फोर्स को कैसे एक्सपीरियंस करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं रहा है, तो चार्ज के बारे में भी हम बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यूनिफॉर्म ही रहता तो कुछ कुछ चार्ज के बारे में बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी। इस टाइप के क्वेश्चन का आपको याद ही करना होगा, थोड़ा सा माइंड में बैठाना होगा तभी याद होगा, न्यूमेरिकल है नहीं कि बनाकर देख लीजिए सॉल्यूशन करके आंसर ले आइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, याद करने वाला है कि जहाँ पर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं और कोई चार्ज भी उस एरिया में नहीं होता है, इस बात को याद रखना होगा, ठीक है। कुछ बनाने वाला तो है नहीं कि बना के यहाँ पर दिखाया जाए, होगा भी तो कुछ, अगर कोई डाउट नोट वगैरह ऐप का भी यूज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन फंस गया समझ में नहीं रखा, डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो आप डाउट नोट पे किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हो, सॉल्यूशन वगैरह भी समझ में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ अलग तरीका से बताएगा, यहाँ पर उतना बना के पॉसिबल है नहीं कि हम बता ही नहीं सकते, हमको उतना पता ही नहीं कैसे क्या क्या क्या, जितना हमको आता है बस उतना ही बताते हैं। चलिए इसके बाद ए टेस्ट चार्ज जो मूव फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अब देखिए टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाया गया, पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला जाता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल का बात हो रहा है तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हम लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कह रहा है कि लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट पता चलेगा कौन लोअर है कौन हायर है, तो इस चार्ज को ले गया लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट, तो अगर जो हम लोग का एक रिलेशन पढ़े थे E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, लेकिन माइनस में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, निगेटिव में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे वहाँ वोल्टेज कम होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पर ज़्यादा होगा वोल्टेज कम होगा, कहने का मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, चलिए पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यानी वोल्टेज यहाँ पर कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में वोल्टेज कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में वोल्टेज कम होता है, यहाँ वोल्टेज कम है, यानी कि यहाँ पे आपको लोअर पॉइंट है, यहाँ पे आपका लोअर पॉइंट है, ठीक है, इधर लोअर पॉइंट है, तो वही बोल रहा है कि टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पॉइंट पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, चलिए यहाँ पर लोअर है, यहाँ से इसको इधर लेगा, यहाँ से इधर लेगा, ठीक है, इधर लेगा, चलिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी, तो टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी जिकल हम लोग क्या पढ़े, डब्ल्यू जिकल वी क्यू, तो क्या बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में यहाँ पे कम, इधर कम है वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, इधर वोल्टेज बढ़ेगा, तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका वर्कडम भी तो बढ़ेगा, वर्कडम भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दोनों डायरेक्टली है, दोनों वोल्ट बढ़ेगा तो वर्कडम भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक जाइएगा ना तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि निगेटिव में एक रिलेशन आता है, पॉजिटिव में है ना, निगेटिव रिलेशन इन्वर्सली दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नजदीक जाइएगा तो पोटेंशियल कम होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक आते गए यहाँ पे, यहाँ इधर इधर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने नज़दीक चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में, तो उतना ही मेरा पोटेंशियल का वैल्यू घटते गया, लेकिन अगर हम दूर यहाँ पे चले गए यहाँ पे तो पोटेंशियल बढ़ गया, इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, जब पोटेंशियल ज़्यादा है तो वर्क डन भी ज़्यादा होंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर इंक्रीज याद रखिएगा, या ऐसे भी याद रखिएगा कि यहाँ पे इंक्रीज याद रखिएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि से जो टेस्ट क्या बोलते हैं उसको सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज के नज़दीक चलते हैं तो रेडियस कम होगा, तो रेडियस जब कम होता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इन्वर्सली होता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है इसी प्रकार से, तो पोटेंशियल वैसा बढ़ता है तो इंक्रीज याद रखिएगा,
क्योंकि आर का वैल्यू कम होते जाएगा, तो आर का वैल्यू कम होते जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो टेस्ट आर को हिलाते हैं ना, टेस्ट आर को हिलाता है तो आर का वैल्यू छोटा कर, यहाँ पर क्यू है, बड़ा क्यू है, ठीक है, आर का वैल्यू एक यहाँ, एक आर का वैल्यू यहाँ है, आर का वैल्यू छोटा करिए, आर का वैल्यू छोटा करिए तो पोटेंशियल वैल्यू बढ़ जाता है, वैसे भी याद रख सकते हैं कि वैल्यू चल गया तो उस टाइप के भी, मतलब किसी भी हाल में याद रखिए कि टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज विल बी इंक्रीजेज, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसी भी हाल में सी होना चाहिए, सॉरी डी दिया है, डी नहीं देगा, गलत है, आप इसका भी आंसर वगैरह कहीं पर सोल्यूशन देख सकते हैं, इसका भी आंसर नहीं होता है, ये गलत है, ये हम बनाए थे, देखे थे, ये हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर गलत दिया आंसर, ठीक है, ये गलत आंसर है, आप कहीं पर नेट वगैरह गूगल वगैरह पर सर्च कर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का बताएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज करता है जैसे दूर जाएंगे, उस टाइप का भी देखिएगा, तो रिलेशन के अनुसार भी यहाँ पर भी जो बताएं उसके अनुसार भी दोनों में ऑप्शन गलत है। पीडीएफ को भेजेंगे नहीं, लीक किया करिए, पीडीएफ वैसे भी हम नहीं भेजते हैं, तो एक फर्स्ट चैप्टर का भेज दिए थे, लेकिन मांगेगा स्टूडेंट दे ही देंगे, लेकिन मैंने कि लीक याद करना से याद होता है ज़्यादा। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कहाँ पर रख दिया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टाइप का तो हम क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। देन द टॉर्क, देन उसके बाद पहला ये टॉर्क ऑन द डायपोल इज पी क्रॉस ई, सही है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज पी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज पी, इसके बाद द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए डायपोल जीरो, तो फोर्स तो वहाँ पर जीरो होता ही है क्योंकि वहाँ पर टॉर्क काम करता है, टॉर्क का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री भी सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है, हमको बी सही नहीं लग रहा है क्योंकि निगेटिव में होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस में होता है, माइनस में पी डॉट ई, माइनस में पी डॉट ई होता है, ठीक है, पी डॉट ई, तो यहाँ पर प्लस में तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि चैप्टर वन में इसको पढ़े थे, अब इसको तो हम लोग पढ़े हैं, इसको चैप्टर वन ही पढ़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर वन और थ्री यहाँ पर सही होगा, देख लेते हैं नोट्स वगैरह एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट सेकंड इज रॉन्ग, हाँ यहाँ पर निगेटिव रहता ना तब सही रहता, यहाँ पर निगेटिव रहता तब सही रहता, सेकंड इज रॉन्ग और फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लीजिएगा नोट्स में, पीडीएफ में देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर नाइन देख लीजिए, नाइन क्या करा है, अच्छा, इफ़ द कंडक्टर पोटेंशियल जीरो, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल के बारे में तो भली भांति जानते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझिए, मतलब कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर एक यहाँ से यहाँ तक के हम बीच का देख रहे थे, पोटेंशियल जीरो है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई चार्ज वगैरह कोई एनर्जी लगेगा नहीं, ठीक है। देर आर नो चार्जेस एनी वेयर इल्स आउटसाइड, अब मतलब बाहर के अलावा हो कहीं पर चार्ज नहीं रहेगा, पोटेंशियल जीरो है तो देन उसके बाद क्या होगा, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सर्फेस इन साइड योर सेल्फ, मतलब कि केवल अंदर ही चार्ज रहेगा सर्फेस में, या देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर, या बॉडी के कंडक्टर में कोई ऐसा चार्ज नहीं रहेगा। इसके बाद देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द, ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, या देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सर्फेस, अगर पोटेंशियल जीरो है तो कैसे क्या होगा एक कंडीशन को, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन पर देखेंगे कैसे क्या, ऑप्शन नंबर सी, देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सर्फेस, अगर पोटेंशियल जीरो है तो बस चार्ज सिर्फ और सिर्फ केवल सर्फेस पर ही होगा, तो इसको आंसर को याद रखिए कि अगर पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का जीरो है तो देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सर्फेस, सिर्फ और सिर्फ सर्फेस पर ही चार्ज होगा जब पोटेंशियल जीरो होगा, अंदर चार्ज बाहर चार्ज कहीं पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। सब याद करने वाला थ्योरेटिकल है तो उसमें तो याद ही करना होगा, इसमें तो कुछ कोई कर नहीं सकता। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर, एक परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, कंडक्टर की इक्विपोटेंशियल होता है तो सही है क्योंकि कंडक्टर हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेस मानते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्फेस का परपेंडिकुलर होता ही होता है, ये भी सही लग रहा है। अच्छे द चार्ज कैरी बाय ए कंडक्टर इज एलवेज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर और फिर नन ऑफ दीज, तक कन्फ्यूज कर दिए इसमें ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अच्छे फॉल्स पूछ रहा है, वही तो बोलेगा सब हमको सही लग रहा है तो फॉल्स इसमें देखना होगा ना। तो सर्फेस
परफेक्ट कंडक्टर के लिए द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एंड द चार्ज कैरी बाय कंडक्टर इज एलवी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पर कौन कौन ऑप्शन नंबर बी के साथ आई थिंक होना चाहिए, गलत देख लेते, ऑप्शन नंबर डी गलत है, नॉन ऑफ दीज। वो तो सब हमको सही लग रहा था, उस अंदाज से बोले कि बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, बाकी सब सही है। वो तो सारा पढ़ रहा है तो सारा सही लग रहा है, तो कन्फ्यूज हो गए। चलिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर ए मेटल, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक जो वो होता है परमिटिविटी, मतलब कितना अलाउ कर रहा है, तो मेटल कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने में, तो वही डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसी को बोलते हैं। तो बताइए मेटल का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, मैं नोट्स में बताया था, नोट्स नहीं अलग से जब क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे ना उसमें बताए थे, उससे वीडियो नहीं बन पाया था, सिर्फ नोट्स भेज दिए थे, तो बोल रहे थे कि मेटल का हमेशा क्या होता है इन्फिनिटी होता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल का इन्फिनिटी होता है, तो आप उसका याद रखिएगा। अब एयर का जीरो वगैरह जो भी था तो बताए थे कॉपी में इन्फिनिटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, इसका आंसर बी है, बी में क्या लिखा है इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट है बहुत सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 देख लीजिए क्या बोल रहा है। व्हेन द एयर इज रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम कॉन्स्टेंट के, एयर को हटा के कोई कॉन्स्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया गया, ठीक है, पहले से एयर मीडियम था, ये एयर मीडियम को हटा के वैसा मीडियम लाया गया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। वाटर भी एक इसका न्यूमेरिकल देखा था, वाटर में लिया है तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो नीचे में रहता है कांस्टेंट, तो उसका क्या बोलते हैं फोर्स घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इनवर्सली होता है ना। अच्छा, तो मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो क्या होगा, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लाने से क्या होगा इंक्रीज, मतलब नीचे में कोई भी मीडियम को लिया तो डाउनवर्ड तो इंक्रीज करेगा, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट घट जाता है, तो के टाइम क्या होगा, यहाँ पर के टाइम इंक्रीज करेगा, एक सेकेंड, द डिस्टेंस क्या पूछा है, तो मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस बिटवीन, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिक्रीजेस के टाइम ना, के टाइम डिक्रीज करेगा फोर्स, के टाइम डिक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करता है कॉन्स्टेंट मीडियम, तो अगर कोई भी कांस्टेंट मीडियम को ले आते हैं एयर को हटाकर, तो एयर का सबसे कम रहता है, फिर कोई भी मीडियम लाइएगा ना तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने के कारण फोर्स कम हो जाते हैं, कांस्टेंट ज़्यादा है रोक ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रोकेगा तो कम ही लेगा ना, ये वाटर वाले एग्जाम्पल ऐसा समझा, तो कांस्टेंट आने के कारण डिक्रीज हो जाएगा फोर्स, हमेशा याद रखिएगा, तो के टाइम डिक्रीजेज। चलिए क्योंकि 1/4πε जो लास्ट में आता है ना, कोई भी कांस्टेंट जो आता है तो लास्ट में आता है नीचे में, तो नीचे में कुछ बढ़ रहा है तो नीचे में बढ़ेगा तो फोर्स यहाँ पे जो है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा ही ना, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद मीडियम मतलब परमिटिविटी कितना अलाउ करा है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उसी को बोलते डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, आप रिलेशन देख सकते हैं एयर कोई मीडियम ऐसे करके। चलिए इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलिए यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल यहाँ से रहता है, द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा इसको भी यहाँ तक, ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव दिया है, जैकबोर्ड में चांस कम इस टाइप का देगा, सिंपल डेफिनेशन टाइप का देता है, तो फिर भी हम लोग देख लेते जो इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ ही पढ़ेंगे तब ना आसान लगेगा उधर, और थ्योरेटिकल वाले को याद करके सोचना होगा कैसे क्या कर रहा है, ठीक। इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ, कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीज, अगर एरिया घटाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या पढ़े थे उसका जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी सी बराबर क्या पढ़े हैं, सी बराबर एक हम लोग पढ़े थे क्या बोलते हैं ε0 बटा में डी, ऐसा पढ़े थे ना जब कांस्टेंट नहीं लाते हैं तो इस टाइप का पढ़े थे, तो क्या क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा कैपेसिटी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डिक्रीज, अगर डिस्टेंस कम करते इंक्रीज, डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं, डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं डी को, तो क्या होगा घटेगा, तो ये तो होगा नहीं। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, एरिया अगर बढ़ाते हैं तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है, ए ठीक है। उसके बाद डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जो के होता है, के जो आया था बड़ा वाला में के, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट घटाएंगे तो फिर भी बढ़ेगा, नहीं के तो कांस्टेंट बाहर में आता है, ऊपर में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर को ए करेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीज, हाँ एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक था, एरिया बढ़ाएंगे तो जो सी है ε0 βd, तो एरिया जब बढ़ाएंगे ना तभी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, तो चलिए ठीक है, या इसको घटाएंगे डिक्रीज करेंगे तो इसको भी डिस्टेंस को घटाएंगे तब इंक्रीज है, तो कुछ होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज करेंगे, अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करें एक सेकंड यहाँ पर, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट तभी आता ना जब हम लोग बीच में कोई डायलैक्ट्रिक डाल देते हैं, कोई डायलैक्ट्रिक डालेंगे तो उसमें तो के टाइम इंक्रीज कर जाता है, के टाइम इंक्रीज करेगा तो वो तो कांस्टेंट आता है, जब इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो के यहाँ पर डायलैक्ट्रिक डिक्रीज नहीं, जब इंक्रीज करता ना तब कैपेसिटी इंक्रीज करता,
तो यहाँ पर के का बात मत रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया से बात ही रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, एरिया को बढ़ाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बढ़ाने से इसमें क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, तो कांस्टेंट पे यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो एरिया पे जो फार्मूला देख लीजिए, उसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा था तो भी नहीं हमको माइंड में आ रहा, तो क्लियर हो जाएगा, यानी याद रखिए एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि के माइनस नीचे में रहता है लेकिन निगेटिव में रहता है ना, तो इसीलिए डिक्रीज करने पर नहीं होगा, डिक्रीज करें पर इंक्रीज कर जाएगा। इसका फार्मूला भी देख लेते तो क्लियर हो जाता। खैर छोड़िए, याद रखिए बस यही कि एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। चलिए और 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर क्या बोल रहा है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक रहा था, बहुत ज़्यादा ज़्यादा। जब पैरेलल प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटी चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट से चार्ज किए आफ्टर द डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी, उसको हटा के फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और फिर कैपेसिटर इनके डिस्टेंस बढ़ा दिए ड्यूरिंग यूजिंग द इंसुलेटिंग हैंडल है द रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब डिस्टेंस बढ़ा दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाने से तो पोटेंशियल डिफरेंस घटना चाहिए। कोई चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर सॉरी पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट तक उसको चार्ज किए एंड आफ्टर डिसकनेक्टिंग, इस न्यूमेरिकल इसको थोड़ा सा बताएंगे, इसको बनाकर दिखाना होगा। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज, डिस्टेंस को डिस्टेंस से वोल्टेज कैसे डिपेंड करेगा वो दिखना होगा यूजिंग इंसुलेटर है द रिजल्ट। तो डिस्टेंस और वोल्टेज में इन्वर्सली रिलेशन रहता है, डिस्टेंस वोल्टेज में इन्वर्सली, इस करके दिखाते हैं। देखिए डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही समझ आएगा क्वेश्चन। देखिए सी कैपेसिटेंस से एक सेकंड देखिए डिस्टेंस एंड वोल्ट में रिलेशन देखना है कि डिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज क्या होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज क्या होगा, उससे पहले फॉर्मूला देखिए, चार्ज तो कॉन्स्टेंट जा रहा है, चार्ज तो फिक्स, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं कर। अब देखिए सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी अगर इंक्रीज करेगा तो सी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस हम लोग दो इन्वर्सली रिलेशन है, तो इंक्रीज कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो सी घट जाएगा, इस फॉर्मूला से डिस्टेंस बढ़ा। लेकिन हमसे डिस्टेंस और वोल्टेज में रिलेशन पूछा है, डिस्टेंस और वोल्टेज में पूछा है, ना कि हमको डिस्टेंस और कैपेसिटर में पूछा है। तो डिस्टेंस और वोल्टेज में पूछा है, और हमको रिलेशन देखना होगा क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी। इस न्यूमेरिकल को पिछले बार हम लोग को एग्जाम में दिया था, हम लोग के एग्जाम में इस न्यूमेरिकल को दिया था, हमको याद आ गया यहाँ पे, यहाँ से समझ के आंसर देना होगा। अब देखिए वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो डी अगर बढ़ेगा तो सी घट जाएगा, सी घट जाएगा। अब देखिएगा सी घटेगा तो भी बढ़ जाएगा, सी घटेगा तो भी बढ़ जाएगा। देख रहे हैं इस रिलेशन से कि क्यू तो कांस्टेंट है, तो सी अगर क्या करता है घटता है तो भी बढ़ जाता है, यानी कि भी में और डी में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। देख रहे हैं क्योंकि डी में और सी में इन्वर्स रिलेशन है, डी में और सी में इन्वर्स रिलेशन है, और भी में और सी में इन्वर्स रिलेशन है, तो सी सी बराबर, यानी कि डी में और भी में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटर के बीच में क्या बोलते हैं वोल्टेज बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं एक सेकंड, डिस्टेंस बढ़ाने से कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ से फॉर्मूला को देख रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो नीचे में है तो क्या हो जाएगा, घटना चाहिए। एक सेकंड, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटना चाहिए, कैपेसिटेंस घटेगा इंक्रीज करेंगे तो सी डिक्रीज करेगा। लेकिन वोल्टेज पूछा है, अच्छा तो वोल्टेज में इन्वर्स रिलेशन है ना, तो वोल्टेज में इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए ये बढ़ेगा तो घट भी जाएगा ना। क्योंकि ये देखिए ठीक है, इसको बढ़ा दी थी घट गया, लेकिन इसको इसको घटने से ही तो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन सी बढ़ेगा तो घट जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। सी को बढ़ाएंगे तो भी घट जाएगा, इसको एक सेकंड, इसको बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, इसको याद रखना होगा, यानी कि डायरेक्ट डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा भले कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ज्वाइन इन पैरेलल, दो कैपेसिटर को पैरेलल ज्वाइन किए हम लोग, सीरीज के माने से पैरेलल के माने से पढ़े हैं, पैरेलल ज्वाइन किए, चार्ज पोटेंशियल भी तक उसको चार्ज किए, सेपरेटेड उसका अलग किए एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज, उसके बाद उसको सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर, एक का पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट किया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू होगा। द चार्ज ऑन द फ्री प्लेट कनेक्टेड टू द क्या डिस्ट्रॉय, चार्ज दोनों खत्म हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इंक्रीज, एनर्जी बढ़ जाएगा सिस्टम का, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट इज 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दोगुना हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये भी न्यूमेरिकल है तो इसका भी सोल्यूशन देखना होगा क्या होगा। देखिए इसको भी दिखाते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा।
क्वेश्चन को समझ गया ना क्या कह रहा है, मतलब कि दो को ज्वाइन किए उसके बाद उसको हटा के फिर उस सीरीज में किए और सीरीज कनेक्ट करने के बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करके तो क्या होगा आगे कंक्लूजन क्या निकले उसको बताइए थोड़ा सा। देखिए मतलब कि एक बार पैरेलल में ज्वाइन करके भी वोल्टेज तक चार्ज करके फिर उसको हटा के अलग चार्ज हटा दिया अब अलग करके कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट किया उसके बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से और एक सेकंड क्या ए पॉजिटिव प्लेट इज वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इसका देखना होगा। देखिए पहले उसको पैरेलल कनेक्ट किया पहले उसको पैरेलल दिखाया पैरेलल किए तो पैरेलल क्यू वन इज इक्वल टू पहला जो निकालेंगे तो सी बी और क्यू टू इज इक्वल टू सी बी ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। चलिए चार्ज कर निकल लिया उसके बाद दोनों को क्या किया वहाँ से हटाकर हम लोग सीरीज में जोड़ दिए सीरीज में जुड़ेगा तो वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा तो वी वन इज इक्वल टू वी टू सॉरी वी वन इज इक्वल टू वी एंड वी टू इज इक्वल टू वी वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा ठीक है दोनों में क्या है वोल्टेज सेम है। इसके बाद एक सेकंड मतलब कि दोनों का जो वोल्टेज है मतलब भी से दिखाया नहीं वोल्टेज में यहाँ पे ऐसा बोले थे डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो करंट सेम वोल्टेज तो चेंज हो जाएगा ना तो इसका वी वन हो गया इसका वी टू हो गया चलिए दोनों का ठीक है। तो जो लेट हम लोग चार्ज मान लेंगे नेट चार्ज जो भी होगा तो नेट चार्ज इसमें हम लोग मान लेंगे सीरीज में मान लेंगे कि क्यू इज इक्वल टू सी वी वन एक और क्यू इज इक्वल टू सी वी टू दोनों का ऐड करिए तो सी वन इज इक्वल टू सी वी टू क्योंकि चार्ज तो कॉन्स्टेंट है चार्ज तो जितना फ्लो करा उतना ही करेगा क्योंकि चार्ज क्या बोलते हैं चार्ज हमेशा दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि पाथ चेंज नहीं हुआ है पाथ चेंज हो यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा Q1 Q2 यहाँ पर देखिए बढ़ गया यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तब नेट चार्ज आएगा दोनों को जोड़ेंगे तब नेट चार्ज यहाँ पर नेट चार्ज क्या आएगा ये दोनों को ऐड करेंगे बात सिमिलर है तो दोनों का सी वी वन और सी वी टू सी सुकट गया वी वन इक्वल टू वी टू यहाँ पर देखिएगा क्यू आ गया सी वी वन और यहाँ पर सी वी टू अब क्या करेंगे दोनों तो क्यू है दोनों तो चार्ज दोनों बराबर हो गया तो सी वी वन और सी वी टू तो वी वन वी टू हो गया यहाँ पर सी सी कट गया V1 V2। अब आगे देखिए यहाँ पे इसमें देखिएगा इसमें तो Q1 प्लस Q2 जो नेट चार्ज दोनों चार्ज को जोड़ेंगे एक इधर चार्ज दोनों बढ़ गया दोनों जोड़ने के बाद नेट चार्ज आएगा ठीक है। यहाँ पर दोनों वोल्टेज अभी इसको जोड़ने के बाद नेट चार्ज आया था यहाँ पर भी नेट चार्ज कैसे आएगा एक सेकेंड यहाँ पर तो चार्ज सेम था यहाँ पर तो नेट के बाद चलिए तो सी वी वन इसका निकलेगा सी वी दोनों का वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा चार्ज बटेगा लेकिन दोनों का वोल्टेज भी रहेगा तो सी वी बराबर नेट चार्ज तो सी वी बराबर सी वी वन कहाँ से आ गया तो यहाँ से आ गया नेट चार्ज यहाँ से दोनों सी वी वन प्लस सी वी टू नेट चार्ज इक्वल टू सी वी वन प्लस सी वी टू यहाँ से आ जाएगा सी वी वन एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया इसका यानी कि पैरेलल का ये आपका सीरीज का होगा सी वी वन प्लस सी वी टू दोनों चार्ज बराबर है तो यहाँ पर वी सी कॉमन लिए होंगे सी कॉमन लेके काट दिए और वी वन प्लस वी टू इक्वल टू वी टू यानी कि वोल्टेज दोगुना हो जाएगा जब उसको सीरीज में जोड़ेंगे तब ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा बता रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेट चार्ज हम लोग क्या नेट चार्ज इसको कर सकते हैं यहाँ पर जो नेट चार्ज क्यू माने हैं तो लेट क्यू वन और क्यू टू तो क्यू वन सी वी वन और सी दोनों तो क्यू ही है नेट चार्ज हम लोग क्यू है तो क्यू तो दोनों क्यों है दोनों बराबर है यानी कि सी वी वन इक्वल सी वी टू दोनों बराबर है तो सी वी वन सी वी टू यहाँ पर दोनों बराबर ही है यानी कि ये भी पाँच है ये भी पाँच है ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग सी सी को मिले काट दिए ताकि कट जाएगा तो कट गया तो इसके बाद कटने के बाद क्या हो गया वी वन वी टू प्लस टू वी टू बस यही फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसका आंसर को याद रखिए कि वोल्टेज दोगुना हो जाएगा जब उसको सीरीज में करेंगे तब क्योंकि सीरीज जो पहले दोनों का चार्ज तो उतना ही चार्ज तो अलग से एक्स्ट्रा ला नहीं रहे हैं तो उतना ही दोनों को बराबर कर रहा होगा इक्वेशन को तब जाकर समझ में आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद 17 उसके बाद खत्म चलिए दो क्वेश्चन और है दोनों को देख लेते हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है एक कैपेसिटर है द सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द इट्स प्लेट उसके प्लेट के बीच में चलो डायलेक्ट्रिक डाल दी ये तो हम लोग जानते हैं द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए डीसी उसको फिर डीसी सोर्स से कनेक्ट किए देन द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड देन फिर बैटरी को हटा दिया तो डायलेक्ट्रिक इज रिमूव फिर उसके बाद बैटरी को हटा के और डायलेक्ट्रिक को भी हटा दिया तो उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटेंस विल इंक्रीज एनर्जी स्टोर इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्या है इंक्रीज या फिर वोल्टेज डिक्रीज क्या होगा तो ये भी न्यूमेरिकल है तो इसको भी देखना होगा सोल्यूशन चलिए वहीं पर देखते कॉपी में पर क्वेश्चन को समझ लीजिए कह रहा है कि कैपेसिटर है द डायलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट डायलेक्ट्रिक है उसके बाद द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया ठीक है द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड फिर बैटरी को हटा दिए कनेक्ट करने के बाद एंड देन द डायलेक्ट्रिक इज रिमूव उसके बाद डायलेक्ट्रिक को भी हटा दिए अब क्या होगा इसका आंसर हम लोग को देखना होगा उसके बाद याद करना होगा। देखिए क्या बोल रहा है ऑन रिमूविंग द डायलेक्ट्रिक को हटाते हैं द कैपेसिटेंस विल डिक्रीज कैपेसिटेंस घटेगा एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में हमेशा याद रखिएगा कि डायलेक्ट्रिक आने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और डायलेक्ट्रिक हटाने से मीडियम में कैपेसिटेंस घट जाता है
डायलेक्ट्रिक डालते हैं ना स्लैब पे, दो स्लैब है, दो स्लैब के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम आने से क्या होता है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और डायलेक्ट्रिक मीडियम को हटाने से कैपेसिटेंस घट जाता है। तो वही बोला रिमूविंग द डायलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस विल डिक्रीजेस, देख डिक्रीजेस का साइन है, घट गया ठीक है। तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल कैसे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्यू बाई सी, तो क्यू तो कॉन्स्टेंट है तो बच गया सी, बच गया सी, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे देख रहे डायलेक्ट्रिक हटाने से सी घटता है, डायलेक्ट्रिक हटाने से सी घटता है, जब सी घट रहा है तो भी बढ़ेगा, सी घट रहा है तो भी बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ठीक है। सी कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी ई विल इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी स्टोर ई के बारे में बात हो रहा है, ई के बारे में, एनर्जी ई के बारे में, तो सी देखिए तो इनवर्स में है, सी कहाँ पर है इनवर्स में, यानी कि सी के कैपेसिटेंस घट रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है तो एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे नीचे का फॉर्मूला देखेंगे कि ई बराबर वी बाई टी, यानी कि ई बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पर देख रहे हैं घट रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी जब बढ़ रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन वोल्टेज में है, वोल्टेज भी बढ़ेगा क्योंकि इंक्रीज लिखा हुआ है, यानी कि ई इज इक्वल टू वी बाई डी भी हम लोग पढ़े हैं। इतना फॉर्मूला को याद रखना का तब जाके इसका आंसर ले आ पाएंगे। बस सिंपल सिंपल याद रखिए कि डायलेक्ट्रिक को हटाएंगे तो आपका एनर्जी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा ठीक है, और लेकिन डायलेक्ट्रिक इंक्रीज करेगा लेकिन कैपेसिटेंस घटेगा, कैपेसिटेंस घटेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में वोल्टेज में हमेशा क्या होता है हमेशा इन्वर्स रिलेशन ठीक है ना, और वोल्टेज एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन, तो उल्टा पुल्टा रिलेशन करके दिया है तो थोड़ा सा माइंड बैठाना होगा, इतना नहीं बैठाएगा तो आंसर को याद रखिए, आंसर को याद रखिए, वहाँ बनाना थोड़े है। चलिए आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या है पॉपुलर क्वेश्चन, द टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी ठीक है, चार्ज टू ए पोटेंशियल भी, इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इज इक्वल टू देखे ना, इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम लोग था वी बाई डी, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा ठीक है। इसके बाद कि ऑब्जेक्टिव हम लोग तो ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ा था, बाद में पता चला कि ऑब्जेक्टिव आना है तो दिक्कत हो गया था, ये सब बनाते रहते, तो चलिए टू स्फेरिकल कंडक्टर अब कैपेसिटेंस सी चार्ज वोल्टेज भी से माइनस भी को चार्ज किया गया ठीक है, दीज आर देन कंडक्टेड बाई मीन्स ऑफ फाइन वायर, उसके बाद एक फाइन वायर से कनेक्ट किया, तो लॉस ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी का क्या होगा, दो गो स्फेरिकल कंडक्टर है, इस कैपेसिटी उसका सी है, चार्ज किया गया पोटेंशियल भी तक और माइनस भी तक, दोनों को चार्ज किया गया, एंड देन दीज आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ वायर, उसके बाद चार्ज करने में उसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी आपको बताना है कि जीरो हो जाएगा, वन बाई सी वी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर सी वी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर टू सी वी स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला का याद रखना होगा तभी आंसर याद होगा, ऐसे आप सोचिएगा जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसको एनर्जी का लगा देंगे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी वी स्क्वायर कैसे हो गया, सोल्यूशन देख रहा होगा, न्यूमेरिकल है, देखिए बहुत सारे आंसर गलत थलत दिया है, तो थोड़ा सा आंसर को पीडीएफ को तो भेजेंगे नहीं, पीडीएफ भेजेंगे वही आंसर याद करके जाएगा, एग्जाम में गलत लेके आ जाएगा, तो इसीलिए जो यहाँ बता रहे हैं उसको याद करके जाइए, कोई भी गलत मैं नहीं बताता हूँ, बिना देखे बिना पढ़े मैं नहीं पढ़ाता हूँ ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए क्या था, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग नहीं जानते हैं, सब बहुत कम ही स्टूडेंट जानता है, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी इसके बाद ही देखा इसका सोल्यूशन देखा ना जब कहाँ गया। चलिए यहाँ पर हम देखिए वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चेंज एनर्जी होता है, तो चेंज एनर्जी का होता है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वन बाई टू सी वन सी टू बटा में सी वन प्लस सी टू और वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तब बनेगा तो नहीं बनेगा, फॉर्मूला होता है ठीक, कैसे डेरिवेशन होता है उतना हम लोग ध्यान में नहीं लाइए अभी, बस याद रखिए, तो डेल्टा जो एनर्जी में चेंजिंग हुआ उसको वन बाई टू सी स्क्वायर बटा में टू सी, फॉर्मूला के अनुसार कैसा टू सी आ गया, सी वन सी टू सी स्क्वायर हो गया, और टू सी कहाँ से सी वन प्लस सी दो टू सी आ गया, तो यहाँ पर भी वन माइनस वी टू का भी और माइनस माइनस भी दोनों दिया है, तो माइनस भी वन का वन बाई टू और सी भी यहाँ पर फोर भी कहाँ से, यानी कि देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया तो दो दूनी चार और ऊपर में नीचे में दो दूनी चार ऊपर में चार भी स्क्वायर कहाँ से आ गया, एक सेकेंड चार भी स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा थोड़ा सा देखना होगा, रुके थोड़ा सा देखिए वही तो बोले कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, देखिए दोनों का होल स्क्वायर है, मैं केवल भी पे यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो जुड़िएगा तो दो दूनी चार भी स्क्वायर आ गया, वही तो बोले होल स्क्वायर है तो चार भी स्क्वायर, तो चार सारे यहाँ पर कट जाएगा, दो दूनी चार कट गया, यहाँ पर सी बच गया भी स्क्वायर तो सी भी स्क्वायर, यहाँ पे पॉपुलर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा सी भी स्क्वायर। तो काफ़ी डिटेल में काफ़ी डीप इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत कम ही चांस जो रहेगा पॉपुलर आंसर टाइप को याद रखिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह लेंगे तो सिंपल क्वेश्चन फिर वहाँ पर दिखाएंगे और बताएंगे ठीक है। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तो बस आज वीडियो पसंद आएगा थोड़ा सा लाइक करिएगा और ये सब क्वेश्चन को खुद से ही बनाने का कोशिश करिए, साथ ही साथ हेल्प ले सकते हैं नेट का, गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं ठीक है, या कोई भी टीचर वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है मेरे दोस्त, बस बस क्वेश्चन दिखा दीजिए इस टाइप का रहेगा, थोड़ा जितना मैं समझाना चाहता हूँ तो समझाया, बाकी आप नहीं भी समझ पाए होंगे तो आंसर को याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो फिर अलग टीचर का हेल्प लीजिए या फिर कहीं से नेट का, तो नेट में तो सब कुछ है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, हाँ इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप का कुछ जो होता है ना कि सीरीज में कम्बाइनेशन, पैरेलल कम्बाइनेशन में न्यूमेरिकल, तो उस टाइप का न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है कि दो तीन कैपेसिटर को सीरीज में कर दिए फिर पैरेलल में कर दिए, तो न्यूमेरिकल अलग से कुछ दे देंगे ताकि उस टाइप का आप लोग खुद से बनाइएगा तो समझ में आएगा। लेकिन आज का क्वेश्चन तो कुछ कुछ काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आंसर को सारे को लिख लिख के याद करना होगा, और जो PDF है तो PDF को ज़्यादा रिक्वेस्ट करिएगा तो भेज देंगे, हम तो सोचेंगे नहीं भेजें क्योंकि कुछ आंसर भी गलत दिया है, और लिख याद करिएगा तो आंसर याद होता है क्योंकि ज़्यादातर याद करना है वहाँ पर, ज़्यादातर जो थ्योरेटिकल है तो सबका आंसर को याद ही कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप को जो इसको तो समझा दिए, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है तो उसको क्या करिएगा, क्या करिएगा, उसको तो याद ही करना होगा। तो यही था, देख लेते हैं एक बार, तो क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन जब याद हो जब एग्जाम में देखें कि नहीं माइनस भी से प्लस भी कंडक्टर में से है, उसके बाद फिर उसको मीन्स बार से कर दीजिए आंसर क्या होता है, तो आंसर भैया बताए थे कि CV² इसका सोल्यूशन में दिखाए थे, तो CV² आपको याद रखना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन है, सारे को लिख लिख अगर याद रखते हैं आंसर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जितना बताए उसको सोल्यूशन भी देख सकते हैं, बाकी और क्वेश्चन देंगे ऐसा बात नहीं है कि नहीं देंगे, ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, बहुत कुछ मतलब कि टीचर लोग ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से, मैं उतना नहीं कर पाऊँगा। चलिए तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।